अगर आप अपने गुरु अकाउंट का केवाईसी करते समय अपने बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड गलत दे दिए थे और केवाईसी कंप्लीट कर लेने के बाद अगर अपना आईएफएससी कोड को चेंज करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, तो कैसे चेंज करोगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं केवाईसी कंप्लीट कर लेने के बाद अपने बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड को कैसे चेंज कर। इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में गुरु एप्लीकेशन को ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं अपने मोबाइल में गुरु एप्लीकेशन को ओपन कर ले रहा हूँ और गुरु ऐप ओपन करने के बाद अगर आपका पिन मांगता है तो यहाँ पर पिन देकर लॉगिन कर लेनी है गुरु ऐप में। लॉगिन करने के बाद आप गुरु ऐप के होम स्क्रीन पर जाओगे तो ऊपर में अपने ईमेल आईडी लोगो पर क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स वाला ऑप्शन क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्राइमरी बैंक वाले ऑप्शन में क्लिक करनी है और उसके बाद यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड का ऑप्शन देखने मिल जाएगा और आईएफएससी कोड के सामने एडिट का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करनी है एडिट वाला ऑप्शन पर। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट योर आईएफएससी, तो आपको यहाँ पे येस वाला ऑप्शन में क्लिक करनी है। उसके बाद जो आप आईएफएससी कोड देना चाहते हो यहाँ पे सर्च करनी है, तो यहाँ मैं सर्च करता हूँ। तो सर्च करने के बाद यहाँ पे मेरा आ गया वेस्ट बंगाल का, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके अपना आईएफएससी कोड यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। जैसे आप कंफर्म कर देते हो तो यहाँ पे आपका आईएफएससी कोड अपडेट हो जाता है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे लास्ट में 73 था, अभी यहाँ पे 09 आ गया है। तो इस प्रकार से अपना आईएफएससी कोड को अपडेट कर सकते हो गुरु अकाउंट की केवाईसी कम्प्लीट होने के बाद। तो आई होप क्लियर हो गया किस प्रकार से अपना आईएफएससी कोड को चेंज करते हैं केवाईसी कम्प्लीट हो जाने के बाद। अगर अभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है किस प्रकार से अपना आईएफएससी कोड को बदले, तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक टेक केयर, जय हिंद।